प्रदेश दू सरकारक बहुप्रख्यात कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान केना कऽ कऽ संचालन भऽ रहल छै, तऽ एकरा प्रभावकारी केना बनायल जेतै, ग्रामीण भेगमे एकर उपयोगिता सार्थकता केना कऽ कऽ बढ़ायल जेतै, प्रतिपक्षीके भूमिका की रहतै, एहि बेरक जनमंच इएह विषय पर कन्या मावीसँ। जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। प्रदेश नंबर दू के बहु प्रतिष्ठित आ बहु प्रख्यात कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान प्रदेश दू में मात्र नहीं भ देशे भरि चर्चा के विषय बनल, खास कर के विपन्न सीमांकित वर्ग के बेटी सब के विद्यालय तक पहुँच के लेल आ निरंतरता देव आयल गेल छै। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के महत्वाकांक्षा से जुड़ल कार्यक्रम आई के लिए पढ़ाई के साथ साथ बीमा के योजना सब साइकिल वितरण के योजना सब से हो आनल गेल छे। शुभारंभ भेला लगभग 10 महीना बीतल पर की रहल छे जमीनी यथार्थ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के, एकरा और प्रभावकारी केना बनायल जा सके छे, खास कर के ग्रामीण भेग के विपन्न समुदाय के बाल बालिका के लिए। एहि बेरक जनमंच में हम सब इएह विषय पर बहस कर जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत। प्रदेश नंबर दू के सांसद रामचंद्र मंडल जी तथा महिला तथा बाल बालिका के क्षेत्र में काज करवाइल रोजलिन बछार जी छथि। कार्यक्रम के शुरुआत मुख्यमंत्री जी से करे चाहब। मुख्यमंत्री जी, एखन तक की प्रगति रहल छै एहि अभियान के? ई कार्यक्रम समाज के रूपांतरण के, समाज के सोच में परिवर्तन ले आवे के, समाज के विभेद में आज तक रहल समुदाय के कैसे समाज के मेन स्ट्रीम में ले आवे के पड़ल, ई कार्यक्रम के मेन उद्देश्य है छै। ई कार्यक्रम के तहत अपने के जानकारी कराबे के चाहे छी कि लास्ट ईयर हमनी सब की कैले कि बेटी सबके हमनी कैसे स्कूल तक ले आए, वो प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मध्य एक जिम्मेवारी रहे कि जब तक हमनी के शिक्षा के स्तर न उका सब शिक्षा के स्तर में हम सुधार न लाब तो निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल है समाज के परिवर्तन करायल, समाज के जौन एक विकास के जौन सपना है कि हमने एक समृद्ध एक प्रदेश निर्माण करो, वहाँ शिक्षा में जौन वर्ग जौन समुदाय पीछे है ओकरा के हम कैसे ऊपर ले आए, इस तहत प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम है जौन हमने के शुरू से ही सीमित कर्मचारी सीमित बजट में रह के ई कार्यक्रम हमने शुरुआत कैल। ए संदर्भ में हमने एगो महत्वपूर्ण प्रोग्राम जौन फागुन 7 गते हमने शुरू कैले, ई कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति जी से शुरुआत कैले कि छोरी शिक्षा बीमा, छोरी शिक्षा बीमा के तहत माघ 1 गते से जन्मल ई प्रदेश के ही भीतर के संपूर्ण बेटी सबके माघ 1 गते से जन्म संपूर्ण बेटी सबके ओकरा के नाम पर बीमा करे के प्रदेश सरकार शुरू कर प्रभु बैंक से एग्रीमेंट भेल, उ एग्रीमेंट के तहत अपने के जानकारी करावे के चाह रहल छी कि 20 वर्ष के बाद जौन छोरी के जौन बेटी के बीमा हो जेती ओकरा 1,25,000 मिलते। ई कार्यक्रम शुभारंभ भ गेल है, ई कार्यक्रम के शुरुआत सम्माननीय राष्ट्रपति जी के, ई कार्यक्रम अभी तक के रिपोर्टिंग के अनुसार 2,000 से ज़्यादा बेटी सबके बीमा भ गेल है, 2,000 बेटी सबके यहाँ 2,000 बेटी सब लखपति बन गेल, ई अभियान संचालन है। यही तहत कल ही टुमारो यह प्रांगण के भीतर ई सकल भवन
कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में साइकिल वितरण के भी कार्यक्रम है। सोच है इस ई आर्थिक वर्ष में करीब करीब टेंडर भ गए है 14,000 साइकिल वितरण करे के कार्यक्रम। हम रामचंद्र जी तरफ आब चाहब आरो चर्चा आगे बढ़े करें। रामचंद्र जी एखन तक के प्रगति विवरण कतेक संतोषजनक रहल छे आ जमीनी तौर पर कतेक प्रभावकारी देखल गेले ई अभियान? देखल जाओ हमसब जे है से 3 बजट हमरा सबके बीच में विनियोजन भ चुकल है आ तीनू बजट में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियानी के रूप में मुख्यमंत्री जी अगुवाई करे के काज कर रहल छथि। इससे अगिलका फर्स्ट बजट में चाहे दोसर सेकेंड बजट में 85 करोड़ रुपया, थर्ड बजट में अपने के अखनो 39 करोड़ रुपया, करीब करीब अपने के 1 अरब समथिंग, मोटा मोटी 1.5 अरब रुपया अपने के अ अभियान के लेल जे बजट विनियोजन कैल गेल अछि। लेकिन अहाँ देखबे परिणाम तो परिणाम अपने के जे है से पुराने स्टेज में है। अ दुआरे चूँकि डेस्टिनेशन तो एकदम बढ़िया है, डेस्टिनेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ई अहाँ के समाज के बीच में रहल अहाँ के लैंगिक जे विभेद है वो लैंगिक विभेद से बनल जे अहाँ के जेंडर इम्बैलेंस है, अर्थात वो विभेद से बनल अहाँ के जे है से लैंगिक असमानता है, एकरा केना अहाँ के निर्मूल करे के काज करी। बच्चा सब जे बेटी सब है वो अहाँ के बड कमजोर है, ओकरा अहाँ के बेटा बेटी के बीच के कंट्राडिक्शन के चलते चाहे डिस्क्रिमिनेशन के चलते ओकरा केना अहाँ के बेटी की इम्पावरमेंट करी, चाहे ओकरा ताकत भर के काज करी, ई सब के लेल अहाँ के स्वाभाविक रूप से ई अहाँ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अहाँ के एकदम बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़का की है कि अहाँ के डेस्टिनेशन कम्प्लीट करे के लिए, चाहे वो डेस्टिनेशन लक्ष्य के प्राप्ति करे के लिए अहाँ कार्य योजना की है। भ्रूणे में हत्या भ जाए ओकरा लेल अहाँ के कोनो योजना नहीं है अखन। दोसर बात अहाँ के जैसे बेटी के पढ़ाब के अहाँ के साइकिल वितरण कह देने अहाँ के बेटी पढ़ लगते से बात नहीं है, ओकरा पढ़ाब के जैसे हम प्रगति जे आउटकम होबाक चाही जे रिजल्ट आबक चाही उ रिजल्ट में अहाँ के कार्य दिशा के जे है से अभाव के चलते अहाँ के बढ़िया प्रोग्राम भेला के बावजूदो अहाँ के आउटकम जे है से एकर रिजल्ट जे है से अहाँ के बढ़िया नहीं छे। बच्चा जी तरफ अबै छी, कतेक आवश्यक रहल छै ई कार्यक्रम जे बेटी सबके आकर्षित करते विद्यालय के तरफ आ निरंतरता प्रदान करते? जी ई कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एकदम प्रदेश सरकार के स्वागत योग्य काज है, कैला कि हम अहाँ कहबे कल इंट्रोडक्शन में हम विगत 5-6 साल से इस सेक्टर में काज कर रहल छी। देखल जाए तो विद्यालय के जे ड्रॉप आउट के सिलसिला है आ जे भ्रूण हत्या खास करके हत्या कहू या जे सेक्स अथी करके जे हत्या कर दे छे पेटे में बालिका सबके जे जन्मय नहि दै छै हुनका सबके लागि उ कथी ला कि जेना आप कहि हमसब कहै छी कि बेटी के जन्म के बाद ओकरा दहेज के कारण होए बाल विवाह के घटना से होइन विभिन्न किस्म के हिंसा के बात सबके लगे हुनका सबके खास करके ई हत्या के सिलसिला चल रहल है तै के लागि बचाबे के लागि एगो सरकार तै स्वागत एगो काज कैने है, कैला कि जेना एक 10-20 वर्ष के बाद जे ओकरा जे कनिका पैसा मिलते ओहू के लागि अखनी महिला सब हमसब गाँव गाँव में जाइ छी तऽ कहै छै हुनका सबके से आब तऽ प्रदेश सरकार एना एना पैसा दै है 700 दीदी दै है से आब देते तऽ हमरा सबके आ बेटी सबके पढ़ाए लागि कनिका निमन भेलै, नहि तऽ गाँव घर में की छलै कि बेटी होते कह के पहिने जाँच करा के हमसब गिराबला अथी करै छलै गाँव घर के आदमी सब, वैसे अखनी के स्थिति के लागि प्रदेश सरकार के एकदम योजना ठीक है। आब बिहान के दिन में नहीं अब केना के आगारी बढ़तै ओकर तऽ होबे करते। सहभागी में आब चाहे छी आब जन सहभागी के जिज्ञासा होय प्रश्न राख के होय कृपया हाथ उठा कर प्रश्न राख सकै छी। प्रथम लाइन में पुरुष सहभागी शंभुनाथ ठाकुर अहिठाम के शिक्षक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अपने आप में बहुत बहुमूल्य चीज है आ बहुत स्वागत योग्य आ जब तक ये नहीं होते शिक्षा के विकास नहीं होते तब तक कोनो स्तर नहीं उठ सक ये निर्विवाद चीज है। अभी कहलखिन जे 20 वर्ष के बाद 1,20,000 संत कहलखिन जे मिलते तो हम ये जानना चाहलिए जे 1,20,000 बेटी के नाम पर अखनिए राखि देल जेतै या कि 1,20,000 तो 20 वर्ष के बाद मिलते
ओहि समय नहि तऽ अखनके 5,000 बराबर रहतै, ओ तऽ ओतेक महत्वपूर्ण नहि रहि जेतै। तऽ ई की मने ओकरा मंथली वाइज राखैके सिस्टम है या कि केना की है, ताहिके बारेमे कनि हम जानऽ चाहै छी। मुख्यमंत्री जी सँ जवाब लली, 1,25,000 बात अयलै है क्या कि ओ प्रभु बैंक से एग्रीमेंट है, वो एकमुश्त ही प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट वो बेटी के नाम में डिपॉजिट करेगा। सवाल ये नहीं है कि कल के दिन में वैल्यू क्या रहेगा, सवाल ये है कि स्टेट वो ये प्रदेश के भीतर के लड़की का बेटी का उसका रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, स्टेट उसको मान्यता दे रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे माननीय जी यही हैं, ये पहला नेपाल में प्रदेश है जहां बेटी के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण किया है, ये किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो मतलब पढ़ाइए और उसको जागीर का भी, राज्य के विभिन्न तह तबका निकाय में भी उसका प्रतिनिधित्व के सवाल की बात है। ये नहीं है कि पढ़ाकर आपको छोड़ने का बात करता है, रही बात कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है क्या नहीं है, संपूर्ण आपका सीमित स्रोत साधन है और सीमित स्रोत साधन के बीच ये प्रदेश में जन्मने वाली बेटी के उसका अकाउंट जन्मती है तो उसको अकाउंट में एकमुश्त प्रीमियम जमा करके उसको फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ जाता है, हमारे और आपके लिए बहुत माने नहीं रखता है। आज के दिन में भी मैं कहता हूँ ऐसा परिवार है कि 25,000 में उनकी धूमधाम से शादी होता है। सवाल क्या है जो वो बेटी के लिए प्रदेश सरकार क्या किया आज तक, तो देखे हैं ना अरबों नहीं, आज जाकर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खरबों पैसा है, उपलब्धि क्या है, कितना बच्ची को मिलता है, कितना बच्ची को ड्रॉप आउट रोकता है, कितना आपका उसका महत्व दिया है। ये पहला प्रदेश है, मेरा गारंटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले आकर दिखा दे। अरे उपयोगिता क्या देखते हैं वो छोड़िए ना, समस्या है देखिए। अरे नहीं सुनिए, एक बात क्या है, आज कुछ नहीं है बेटी के, आपके पास कुछ किए नहीं है, आज कुछ हो नहीं रहा है। प्रदेश सरकार सीमित स्रोत साधन के बीच आपका उसको गारंटी करता है जे भाई जे 1,25,000 एक बेटी के जन्म उसका खाता में अगर जन्मती है उसके खाता में रखता है, क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं, कल के दिन में छोड़िए ना उसका फ्यूचर सिक्योर करता है। कल के दिन में दो इसका फायदा है, पहले तो क्या है हमारा, आज भी जाइएगा तो पूछ लीजिएगा जे कितना आपका पॉपुलेशन है, तो आज भी अननोन है, इसी बहाने से भी आपका जन्म कितना हो रहा है, कितना इस समाज में बेटी जन्म रही, उसका भी डाटा तो आपका अपडेट होता है। आज भी जाइए ना, बहुत सारा जनगणना के हिसाब से एग्जैक्ट जाइएगा तो एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन इस बहाने से भी मांग एगते से, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनकी खाता में होना ये स्टेट गवर्नमेंट का पहला स्टेप है। उतना ही नहीं, सुनिए उतना ही नहीं, ये पहला स्टेप है। आज से मैं कक्षा संचालन करने जा रहा हूँ लोक सेवा कंपटीशन की तैयारी के लिए, आज अभी कल यही एथी में साइकिल वितरण करने का कार्यक्रम है। इस आर्थिक वर्ष में माननीय जी ने कहा नेपाल के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना खत्म है कि इसको कहिए नहीं, उन्होंने कहा, मैंने उसी समय लास्ट ईयर जो पहला आर्थिक वर्ष में 80,00,000 रुपया छुटिया कर किया, जब लास्ट में आया तो हजूर ये उजुरी को कारण ले अली कदम मिल नहीं मिले ना, कोई उजुरी कर दिया क्या कर दिया क्या कर। इस बार भी आप जाइएगा तो पूरे फाइल मंगवा लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के एथी में एक निकाय में, ये यो मिले ना त्यो मिले ना, ये उजुरी देने के लिए यहाँ के लोग तो माहिर है, थोड़ा अच्छा काम कीजिए ना, अच्छा काम के लिए यहाँ लोग नहीं सोचता है, यहाँ क्या है आप अच्छा के लिए प्रयास कीजिएगा तो लेग पुलिंग का धंधा जो है ना ये समाज में लेग पुलिंग का धंधा ज़्यादा है, तो कोई सुनिए ना उजुरी दे दिया तो इसलिए कि फिर भी विलम्ब हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी सारा ऑब्स्टेकल हर्डल्स के पार करते हुए हम लोगों ने आज ये माहौल बनाया है, इसको स्वागत कीजिए जो कम से कम प्रदेश सरकार ऐसे ऐसे लड़कियों ऐसे बेटियों के लिए सोच रहा है। फिर सहभागी के जिज्ञासा लो लीजिए, जिनका जिज्ञासा तो तेसर लाइन में महिला सहभागी। मेरो नाम पूजा यादव, म एसए स्कूल को शिक्षक हूँ। मेरो क्वेश्चन मंत्री जी लाई के सर अलग रिकग्निशन को कुरा गर्नु हो, बेटी रिकग्निशन कर 2 नंबर प्रदेश में, तो
यो जुन हजुरको के अरे बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम अन्तर्गत जुन साइकिल वितरणको कार्यक्रम छ, त्यो सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै छ कि प्राइभेटहरूमा पनि छ? यदि छ भने ठिक छ, छैन भने के तपाईँको सेवा सुविधाबाट ती बालिकाहरू वञ्चित रहन्छन् त? यो सामुदायिक विद्यालयमा त्यसमा पनि कक्षा 8 यसपालिको हाम्रो नीतिअनुसार, यसपालिको हाम्रो जुन हामी जुन एउटा निर्णय लिएका छौँ त्यसअनुसार कक्षा 8 अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयका छोरीहरूको लागि मात्र। मुख्यमन्त्रीजी, यी साइकल वितरणमा एगो बात आरो आइब रहल छ, दुईटा कम्पनीको ठेक्का देल गेलै, एगो के 4,000 एगो के 10,000। एगो कम्पनी जकरा 4,000 भेटल छै प्रति साइकल 5,750 पड़ि रहल छै, 10,000 जकरा भेटल छै ओकरा 6,262 रकममे फर्क कै लागि रहल छै। टेंडरके फर्क है, टेंडर जो फर्क करिए कीजिएगा, टेंडरवला सिस्टममे तऽ हम दैए नहि सकते हैं। ओ जो टेंडर आप किसी ने कीजिए, खुला ई बिडिंग करता है, आप 5,000 में कीजिए, 2,000 में। हम आपको बताएं, बीमा का मैं किया था, आपको मैं थोड़ा और बताता हूँ। LIC से हम लोग बात किए, थोड़ा जानना जरूरी है, LIC से बात किए तो 1,00,000 के लिए सिर्फ उसने कहा 30,000 हम लेंगे। फिर हम लोगों ने बैंक सूचना किए तो फिर एक आदमी एक बैंक ले आया, 25,000 में हम करेंगे, 1,00,000 देंगे। सूचना करने के बाद प्रभु बैंक 13,746 रुपया में कंपटीशन किया। उतना नहीं, CSR से जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहा जी 1,000 हम भी इसमें मिला देंगे, आ 1,00,000 नहीं 1,25,000 देंगे। तो क्या कीजिएगा, कंपटीशन है, आप कर नहीं सकते हैं, आप कुछ कीजिएगा उसमें। हाँ तो किंतु परंतु कीजिएगा तो फंस जाइएगा, खरीदने में आपका बोलने के बाद नहीं। नेपाल का खरीद मेरा इच्छा है, हमारा इच्छा है जी आपको दे दें, लेकिन आप जो कीजिएगा तो सारा प्रक्रिया से होता है, अभी सब होता है। रामचंद्र जी, साइकिल वितरण कतेक प्रभावकारी हेतु? सबसे बड़का बात अखने मुख्यमंत्री जी कहला है कि मनी मेक्स अ मैन रिच और पुअर, पैसे आदमी के धनिक और गरीब बनबै छै। आ पैसा के वैल्यू के बारे में अहाँ के अनदेखा कर देबै तो ओकर कोनो अर्थ नहि है। अइ अहाँ के बीमा से बच्चा बालिका अहाँ के धनी नहीं भऽ सकैए, बल्कि अहाँ के बैंक सब धनी भऽ सकैए। 1,00,000 के अहाँ के जे है से ओ 20 वर्ष यूज करते, अहाँ के जे है से भेटत ओ 1,00,000 रुपया चाहे 1,25,000 20 वर्ष के बाद में, ओकर अहाँके मनी डिप्रेशन कते आबि जेतै, यानी 5,000 चाहे 5,000 से सेहो बिलो भऽ जेतै, केकरा बेनिफिट भऽ रहल छै से विचार करियौ। अखन के संसार के अहाँ के वित्तीय के संसार के अर्थ राजनीति में यदि कही अर्थतंत्र में तो वित्तीय पूँजी के तत्ते बड़का अहाँ के कब्जा संसार पर भऽ गेल है, जे अहाँ के औद्योगिक पूँजी से लऽ कऽ उत्पादन के क्षेत्र सब अहाँ के धराशाही कऽ देने है, जै के चलते अहाँ के लोग बेरोजगारी भऽ गेल है। सुनल जा के बात है, तो हमर की है ट्रांसफॉर्मेशन देखल जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन दूटा बात है। राजनीति कर्मी अहाँ के दूटा बात पर ज्यादा जोर दे छे, एकटा तो अहाँ के परिवर्तन पर जोर दिलक, एकटा अहाँ के रूपांतरण पर जोर दिलक। लेकिन परिवर्तन और रूपांतरण के बात जखन करै छिए तो परिवर्तन कथी से हेतै? अखने अहाँ के प्रदेश के समृद्ध बनबै तो कथी से हेतै? पैसा से हेतै? पैसा के केना अहाँ के उपयोग करै छी, यूज करै छी, ओकरा लेल अहाँ के डेस्टिनेशन यदि क्लियर नहि है तो एमलेस भऽ जेतै। अहाँ के स्ट्रेटजी या प्लस जे है से इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में अहाँ के जखने अहाँ के एक्सक्यूशन के क्षेत्र में अहाँ के मान लिया अंतर्विरोध भऽ जेतै, चाहे ओकर व्यवस्थापन मैनेजमेंट के समस्या खाड़ भऽ जेतै, तो ओहिया अहाँ के जे है से फेनो पॉवर्टी जे है से गरीबी अहाँ के यथास्थिति में रहतै। तै के चलते अहाँ के एहि पर गंभीरता होबाक चाही, सरकार के जे है से एहि पर गंभीर होबाक चाही। लेकिन सरकार जे है से अहाँ के मान लिये बच्चा सब चाहे बेटी के अहाँ के मोटाबा से ज्यादा जे है से अहाँ के बैंक के मोटाबा में लाग गेल छथि, ई सब अहाँ के समस्या है। जै के चलते अहाँ के जे है से आम जे है से अहाँ के पीपल लाभान्वित होबाक चाही, से अहाँ के लाभांश अहाँ के प्राप्त नहीं भऽ पाबि रहल छै। ठीक छै, फेर सब सहभागी में आबय चाहै छी, जिनका जिज्ञासा होय प्रथम लाइन में पुरुष सहभागी। हमर घर है जनमपुर वार्ड नंबर 1 में और ई स्कूल के व्यवस्थापन समिति के सदस्य हो छी। कह के अर्थ की है कि बेटी के 20 वर्ष के बाद जब पैसा मिलते से कि सूर्य में पैसा दे दे से 5 वर्ष में सब पूरा पैसा खत्म भ जाए, जे कल बेटी के बचाव के लगी या पढ़ाव के लगी वो पैसा रहबे नहीं करते तो बेटी बचते केना।
और अपने जे पार्टी से लागल छे अपने के पार्टी शोक केंद्र में है। अपने के पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान में कते सहयोग करी है। म सरस्वती स्कूलबाट बाल क्लबको अध्यक्ष अंशु मण्डल। मेरो प्रश्न यो छ कि जरुरी छैन कि 8 क्लासमा पढिरहेको बच्चा धेरै गरिब होला, 9-10 पनि पढिरहेछ त्यो पनि त गरिब हुन सक्छ नि, त्योहरूलाई मिल्दैन। 10 पढिरहेको विद्यार्थीहरूलाई अहिले साइकल मिल्दैन, हुनसक्छ कि त्यो धेरै पढ्नमा ट्यालेन्ट होला, त्यो आगामी दिनमा त्यो क्याम्पसमा पढ्न जान्छ भने त्यो त्यसको घर अलिक टाढा हुन्छ भने अनि त्यो स्मार्ट बुझ्छ साइकल लिनलाई त के उसलाई साइकल भेटाउनु चाहिएन। रामचन्द्रजी अहाँके प्रश्न। सबसँ हम पहिनहुँ कहलियै देखल जाउ कोनो भी अहाँ दूटा बात होइ छै स्ट्रेटजी आ एक्सक्यूशन कहै छै स्ट्रेटजी विदाउट एक्सक्यूशन इज एमलेस। रणनीति बनबै छी लेकिन कार्यान्वयन पक्ष ओकर अहाँके एकदम अहाँके फितलो भऽ जेतै तऽ उद्देश्य प्राप्त नहि कऽ सकैए। तहिनाइते अहाँके एक्सक्यूशन विदाउट स्ट्रेटजी अहाँके यूजलेस होइ छै, यूजलेस उपयोगिता नहि रहै छै। यदि अहाँके जे है से काम साफे नहि भेलै आ रणनीति अहाँ बना लेलियै तऽ ओकर अहाँके उपयोगिता समाप्त भऽ जाइ छै। हमर कहाइ की है कि हमसब अहाँके संघ सरकार की करै छै हमर कार्यक्षेत्रके चीज नहि है। हमर कार्यक्षेत्र है, हम प्रदेशके सांसद छी, प्रदेशमे की कऽ रहल छै ओकर वाच करके ओकरा सरकारके सजेस्ट करके आ प्लस इम्प्लीमेंटेशनके लेल अहाँके सरकारके बूस्टअप करके चाहे मानि लिअ पहरेदारी करके काज हमर है। नहु कहलियै कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अहाँके बढ़िया है। ई अहाँके डिस्क्रिमिनेशन है, मानि लिअ समाजमे जे विभेद है ते विभेदके अंत करके लेल ई ठीके कार्यक्रम है। ते कार्यक्रमके हम विरोधी नहि छी, कार्यक्रमके पक्षपाती छी हम, लेकिन कार्यक्रमके जे डेस्टिनेशन प्राप्त करके जे कार्यनीति ई बनेने छथि अहाँके मुख्यमंत्री लगातके अहाँके सरकार, ओ अहाँके कार्यनीति जे है से अहाँके ताहिमे कनि गहन छलफल होबाक चाही। कार्यनीति केना डेवलप करक चाही, ओहिसँ केना रिजल्ट अतै, ताहि तरफ अहाँके होमवर्क अहाँके बहुत कम भेल आ दोसर ठमनके एडॉप्शन मात्र भेल। एडॉप्शनमे कनि क्रिटिक अहाँके ओकर आलोचना की छै, ओ क्रिटिक आलोचनाके साथ अहाँके ओकर परिणामके लेल ई योजना बनल रहितै अहाँके ना स्थिति अछि। एगो खास क्लासके मात्र कयलक जे लाख रुपैआ रखते हैं, मैं जानकारी कराना चाहता हूँ, लाख रुपया नहीं जमा करते हैं। 13,647 रुपया हमारा लगता है, वो कितना दे रहा है? 1,25,000। तो आपका एक बच्ची पर कितना यूज कर रहा है, ले रहा है? महज 13,647 रुपया। वो CSR होता है एक हर उद्योग हर एक बैंक में, जो कि सोशल उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो अर्न करता है उससे वो 1,000 हमारे में और डिपॉजिट करता है और 1,25,000 देता है। देखिए ये बात है, रही बात तो हमरो एकजना छात्राले सोधे बाबू इच्छा तो मेरो धेरै छ गर्न, मेरो त इच्छा छ एकैचोटि एकदम पुरै प्रदेशभरिकै हाम्रा छोरीहरूलाई 8 देखि 10 होइन 12 नै दिउँ। तर मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा त्यो पनि गरौँला, हाम्रो स्रोत हाम्रो साधन हाम्रो क्षमता वृद्धि भएसँगै हामी दिउँला। तर यसपालि हामी प्रयास गरेका हौँ कि हामी त्यसमा पनि धनी गरिब नजिक टाढा भन्दा पनि अब कसरी छुट्याउने धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तिम्रो प्रश्न जायज छ, तिम्रो इच्छा जायज छ, म पनि चाहन्छु कि ती 8, 9, 10 कमसेकम दिउँ भनेर। तर आउने दिनमा मेरो प्रयास रहन्छ कि 9 पनि दिउँ 10 पनि दिउँ, हेरौँ आउने वर्षमा मेरो स्रोत साधनले के भन्छ त्यसै अनुसार गरौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा खास कऽ कऽ साइकल वितरण आ छोरी शिक्षा बीमा योजना जे छै जाहिमे 1,25,000 भेटैवला छै कतेक प्रभावकारी हेतै ग्रामीण भेगके बालिका सबके लेल? अहाँ हमसब जानबे करै छी कैलाकि
मुख्यमन्त्रीजी कहने छलखिन से हमसबके एगो भ्रमता छलै कि 1,00,000 रुपैआ जेना बैंकमे रहतै तऽ 20 वर्षमे ओकर ब्याजके बात ओहो प्रस्ताये देलखिन जे 13,600 कते है ओकर बाद ओकरा 1,00,000 रुपैआ मिलतै कहके एगो तरङ्ग आयल है ई प्रदेश नम्बर 2 मे ई बात सब लके जेना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओमे बेटीके बीमाके लके बात सबमे हम पहिनहु कहलियै कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमे हमसब काज करऽ जाइ छी तऽ ओहिके महिला सबके अखनी कोनो भी कार्यक्रममे जाउ कोनो भी बात करू तऽ पहिने उहे पुछतै कि दीदी एना एना है साँचो बात है कि न है हमरा सबके सचिवजी सब कहने है एना एना अथी सब जे कागज पत्र है से सब लके आबला मगर एगो तरङ्ग उत्पन्न भऽ गेलै ओहिके कोनो भी प्रदेश शायद एहि किसिमके अखन तक उठायल नहि है जे बेटीके बचाए लागि एहन बीमा सबके व्यवस्था नहि कयने प्रदेश नम्बर 2 एहिमे एकदम नीक एकदम काज कयने है जे किसिमसँ बालिका सबके जे गर्भपतन बहुते बाल विवाहके हमरा सबके एकदम पछाडि पारल गेल सबसे समुदाय छै खास करके प्रदेश नम्बर 2 ग्रामीण भेग सबमे ओहिके लागि आब साइकिल वितरणके बात भेलै कि एगो लोभोसँ जे कहै छै ने एगो इसकुलमे पढ़ऽ जेबै तऽ हमरा साइकिल मिलतै ओहूसँ कमतीमे बेटी सबके इसकुल आबऽके एगो जे माध्यम बनेलकै प्रदेश सरकार ओहिके लागि तऽ हमसब तऽ अधिकारकर्मी महिला अधिकारकर्मी भऽ कऽ हम एक लागि तऽ एकदम धन्यवाद करऽ चाहै छी लेकिन उहे स्रोत साधनके बातमे जेना 8 क्लासके मात्रै नहि भएके 9-10 तकके विद्यार्थी सबके या ओहूसँ बा होतै आ दोसर कहीँ जो अखनी हमसब सामाजिक सञ्जालमे बहुते हम देखली ओहिमे हम बातो कयने छलै जे आत्मरक्षा तालीम नहि आत्मरक्षा तालीमके बात सब भेलै अखनी बलात्कारके घटना सब बढ़ि रहल अछि ओहिमे खास करके बालिका सबके लागि किशोरी सबके लागि आत्मरक्षा तालीमोके एकदम व्यापक रूपमे अगाडि बढ़ायल जाए तऽ ई आरो नीक होतै सुनमे सुगन्धवला बात होतै ठीक छै फेरसँ सहभागीमे आबऽ चाहै छी प्रथम लाइनमे तऽ म मरियम खातुन एस कन्या माविको चाहिँ बाल क्लबको अध्यक्ष छु मेरो मनमा यो प्रश्न चलिरहेको छ अघि उहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णले भन्नुभयो कि बेटीहरूलाई चाहिँ 1,25,000 पाउँछन् 20 वर्षपछि तर हाम्रो समाजमा अहिले कुराकानी यो भइरहेछ कि यदि बाल विवाह भएन भने मात्रै 1,25,000 पाइन्छ यदि त्यो बाल विवाह 20 वर्ष कम उमेरमा भएपछि उहाँलाई चाहिँ जरिवानाको साथ पनि के अरे त्यो 1,20,000 त तिर्नुपर्छ तिर्नु नै पर्छ प्लस त्यसले जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ अनि एउटा यो पनि क्वेसन छ जुन यो जनकपुर धाममा मेन जनकपुर भयो यो प्रदेश नम्बर 2 राजधानी यस क्षेत्रलाई छोडेर उता मोहतरीतिर अर्को अर्को जिल्लातिर ग्रामीण क्षेत्र छ त्यस क्षेत्रमा पढाइको धेरै असुविधा छ त्यहाँ विद्यालयहरू पनि राम्रो छैनन् त्यहाँको भवनहरू खराब छन् प्लस त्यहाँ धेरै टाढाबाट विद्यार्थीहरू आउँछन् तिनीहरूलाई हामीहरूले सुने अनुसार हामीहरूको गाउँमा चले अनुसार उनीहरूलाई साइकलको पनि व्यवस्था गरिएको छैन यसको कुनै एन्सर हुनसक्छ मेरो नाम खुसु कुमारी यादव छ म यो कन्या माविको 10 क्लासमा पढ्छु मेरो क्वेसन यो रहेछ कि हामीहरूको स्कुलमा 11-12 छैन हामीहरूको 10 क्लास पढेपछि कतिजनाको धेरै जस्तोको शादी भइहाल्छ अगर हामीहरूको स्कुलमा 11-12 खुजेपछि मात्र विद्यालयहरू पढ्न सक्दैन यहाँ तकलीको बाल विवाह पनि रुक्छ किनभने 10 क्लास पास गरेपछि धेरै जस्तोको घरमा हेर्छु अगाडि पढाउन खोज्दैन त्यताबाट एसएलसी पास गरेर शादी गरिदिन्छ हामीहरूको स्कुलमा जल्दभन्दा जल्द 11-12 खोजेपछि अहिले पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीको राम्रो सोचाइ हुन्छ अनि बाल विवाह पनि रोकिन्छ मुख्यमन्त्रीजी अहिले दुवै हाम्रो छात्राहरूले जुन उठाए प्रश्न एकदमै रिजनेबल छ सही छ अब के आयो भने अब प्रश्नमा कि छोरीहरूलाई अब 20 वर्षपछि दिँदाखेरि उमेर पुग्दाखेरि मात्र दिने गरिएछ भने हामी त्यो बेलासम्म त कति बिहे भएर जान्छन् बिहे भएर गएपछि सायद ती छोरीहरूलाई दण्डित पनि गरिन्छ कि भनेर एउटा इच्छा हामीबाट त्यो दण्डितभन्दा पनि नेपाल सरकार खासमा भन्ने हो भने जुन अहिले हाम्रो एन आएको छ मुल्की संहिता त्यसमा के छ भने यो नेपालमै छोरीको उमेर छोराको उमेर 20 वर्ष भएपछि मात्र के गर्न बिहे गर्न पाउने भनेपछि त्यो जुन
हामीलाई कानुनी बाध्यता छ, त्यो बाध्यतालाई प्रदेश सरकारले के गर्न सक्दैन, त्यो त्यो कुनै पनि हालतले त्यसलाई चाहिँ त्यो समाप्त गर्न सक्दैन, त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले जो 20 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र छोरीहरूलाई दिनेछ, किन भन्दाखेरि म 16 वर्ष बनेपछि, म 18 वर्ष बनेपछि भन्दाखेरि प्रदेश सरकार नै छोरीहरूलाई 20 वर्ष नपुगोस् भनेर त्यो इन्करेज गर्न खोजेको हो, यो एउटा बाध्यता छ। र रह्यो कुरा कि त्यो दण्डित गर्ने कुरा, मानिहाल्नु छोरी बिहे गरेपछि उसले नपाउने, यो कुरा सही हो, तर छोरीलाई केही भयो भने गार्जियनले पनि त्यो रकम पाउँछन् उसको जुन, या गार्जियनलाई केही भयो भने छोरीलाई पनि बिचमा पाउन सक्ने त्यसमा अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, बिचमा छोरी अध्ययन गर्न चाहन्छन् भने उसको लागि पनि केही हामी गर्न सक्ने त्यसमा, हामी भोलिका दिनमा हामी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा छोरीलाई सबै किसिमले कसरी चाहिँ हाम्रो सीमित स्रोत साधनले कसरी उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मात्र हो, यसले बुझ्नुपर्ने त्यो कुरा छ। अर्को कुरा त्यो हाम्रो एकजना बहिनीले उठाए, एकदमै त्यो पनि सही कुरा हो। म त चाहन्छु यसपालि मैले ल्याएको नीति पनि छ कि जस्तो अहिले जुन किसिमको हामीलाई असहयोग भइराखेका छ अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट, एकदम संविधानले एउटा कुरा भन्छ र हाम्रा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले एउटा अर्को कुरा गर्छ। यो मुलुक मात्र होइन जहाँ संहिता छन्, अहिले भयभरिको हुँदाहुँदै अहिले जिल्ला, पहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले पनि सङ्घले नियन्त्रण गरिरहेछ, अहिले पनि यहाँका शिक्षकहरूको पुरा अहिले केन्द्रले नियन्त्रण गरिरहेछ। यहाँ सामुदायिक स्कुल हो भने तपाईँहरूले थाहै होला, पुरै चाहिँ अहिले सबै छ, यो कहीँ छैन दुनियाँमा। मानौ कि बैठकमा बैठ्दाखेरि गिरिराज मणि त रोएको जस्तो गर्छ, यस्तो स्वभाव उनी देखाउँछ, यस्तो उनी व्यवहार गर्छन्। यो हामी कुरा गर्दाखेरि भाइ अब तपाईँको माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहलाई दिएछ भने उच्च शिक्षा र युनिभर्सिटीसम्म प्रदेशलाई त्यो अधिकार छ, नीति निर्माण गर्ने र युनिभर्सिटीसम्म भन्दाखेरि यसपालि हामी के गरेका छौँ त्यो जोड्न चाहन्छौँ। मात्र यो अप्राविधिक होइन, प्रत्येक पालिकाभित्र कमसेकम एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाले दिन हाम्रो सोच छ। किन होइन यो नर्सिङ के अरे यो हाम्रो छोरीहरूको लागि यति महिला यो छ भन्दाखेरि किन प्रदेश सरकारले हाम्रो भइसकेपछि किन यसलाई नर्सिङ कलेज नसञ्चालन गर्ने यसमा? ए नर्सिङ सुन, एकछिन सुन्नुहोस् न, त्यसलाई सेटिस्फाई हुन दिनु, नर्सिङ किन नदिने? प्रदेश सरकारको रोल अहाँ नै कहि रहल छी, प्रदेश सरकारको रोलै होइन, अहाँ के समझ रहल छी? प्रदेश सरकार, एकछिन सरकारको बात कर रहल, प्रदेश सरकार हम कह रहल छी न, जोडेके चाह रहल छी न, त जो जो सिस्टम है कि अभी के स्थिति में प्रदेश सरकार की रह कर रहल छी, प्रदेश सरकार विधेयक ले गेल छी कि प्रदेश प्रदेश प्राविधिक शिक्षा गठन कर दे, त्यो गठन करके अहाँ सबके ई जब प्रदेश के भीतर जितना जैसे कि निकाय है सिटी बीटी प्रदेश सरकार के अंतर्गत होके के चाहिए, आज संघीय सरकार चला रहल छी कि सिटी बीटी के अनुमति के माध्यम से, उ प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकारी, हमनी सब विधेयक ले गए सदन में, माननीय जी सदन के भीतर है, तो उ विधेयक पास होते एन होते यहाँ हम चाह रहल छी कि यहाँ ई जौन नर्स ई महिला शुरू से इतना पुराना विद्यालय है तो कहे नहीं यहाँ अपने के नर्सिंग कॉलेज यहाँ संचालन करो, नर्सिंग का यहाँ लड़की सब पढ़ रहल छी तो नर्सिंग अगर इंटरेस्टेड है तो नर्सिंग पढ़ी, तो प्रदेश सरकार वो इंटरेस्ट रखले छी ने जे ई नर्सिंग का जे अवस्था छै विद्यालय सब में, जेना साइकिल वितरण के बात भ रहल छै विद्यालय तक आना के त बात भ रहल छै, लेकिन बहुत एहनो विद्यालय छै जत भौतिक पूर्वाधार नै छै, जेना शौचालय के बात क सकै छी, कक्षा कोठा में झ्याल भ सकैया, पंखा के असुविधा छै, एहन गर्मी के बात रहल छै, शौचालय के लेल सेहो कार्यक्रम सब नै छै, ओ सब पहिले भौतिक पूर्वाधार दिस सेहो ध्यान देबऽ पड़ले, ओहि के लेल प्रदेश सरकार एकदम बिल्कुल सही, अपने के ई भी जानकारी अपने प्रश्न रख ली तो बहुत, ये आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार के तरफ से, प्रदेश सरकार मतलब जे ई अभियान के तहत 100 सामुदायिक विद्यालय में छात्रा के लिए छात्रा शौचालय के व्यवस्था कैले छी, एक इस आर्थिक वर्ष में उ टेंडर भी भ गेल है, आ हरेक अब जौन जौन स्कूल ओकर सिलेक्शन करके दिले है, अब एक बैग तो
पूरे इसकुल में लागू कर तो मुश्किल है, लेकिन सही इसकुल में एक जिला में कम से कम 12-14, अब 8 जिला है, 8 × 80 तेई 12-14-10 बन रहल छे, तो उस शौचालय के भी निर्माण भ रहल छे। तो ऐसे शौचालय भी महत्वपूर्ण है। हमने के नीति ये है कि मान लो कि बहुत सारा सामुदायिक स्कूल में शौचालय के अभाव से खास करके लड़की सब उ ड्रॉप आउट कर रहल छे। तो ये भी है जे कैसे ओकरा के स्कूल में ले आके ओकरा के कैसे वहाँ बैठे के ओकरा के पढ़े के वातावरण बनावे के लाग रहल छे। प्रदेश सरकार के जे कार्यक्रम सब छै जेना अभी शौचालय के बात एखन एलै ताहिके बाद आकर्षित करय के बात भेलै, भौतिक पूर्वाधार के कमी हमहूँ अहाँ यथावत मानै छियै, कतेक प्रभावकारी हेतै आ एकरा केना कऽ कऽ आगाँ बढ़ायल जा सकै छै, कार्यान्वयन मे कतक समस्या भऽ सकै छै? देखल जाउ, शिक्षा के अभी तऽ सकल कन्या मावि बहुत पुरान इसकुल है, तऽ एहिठमन दरबन्दी तऽ ठीके होबाक चाही, लेकिन हमरा बुझाइए हाई इसकुल बनि गेल है लेकिन दरबन्दी ओहिठमन एकोटा नहि है। जहिए भवन है तहिए मास्टर साहब नहि, जहिए मास्टर साहब है तहिए आगे विद्यार्थी नहि, जहिए विद्यार्थी है तहिए शिक्षक नहि। ई अहाँके वास्तविकता है। ओहि कंडीशनमे अहाँके हमसब जे उत्पादन करै छी विद्यार्थी, ओ अहाँके उत्पादित विद्यार्थी कते अहाँके काबिल बनि कऽ खाड़ रहत से ओहिनाते अनुमान कऽ सकै छी। अखन आईटी के दुनिया भऽ गेल, देखल जाउ आईटी के दुनियामे हम अहाँके सदनके भीतरमे सेहो अहाँके कहलियै कि अहाँ कथु नहि करू, पूर्वाधार के लेल अहाँके ज्यादा ढौआ के खर्चो के आवश्यकता नहि। अहाँ जनकपुर में मात्र अहाँके एकटा इसकुल सिलेक्शन करू आ ओहिठमन अहाँके एक कक्षा से लऽ कऽ 12 कक्षा तक अहाँके पढ़बक के टीचर अहाँके क्वालिफाइड मात्र रखै छी, तऽ टोटल इसकुल में अहाँके ओहिठमन से जे है से इंटरनेट के मार्फत अहाँके पढ़ाई भ सकैए। जे अहाँके इसकुल के समस्या है, वास्तविक समस्या, उ समस्या अहाँके दूर भ जेतै। लेकिन एहि तरफ अहाँके जे प्रदेश सरकार के जे ध्यान जेबाक चाही, ओ प्रदेश सरकार के ध्याने नहि। एहि दुआरे कि ई सब जे है से अखन के आवश्यकता की है, ओहि आवश्यकता के मध्यनजर रखैत अहाँके कार्ययोजना बनबाक चाही, ओहि कार्ययोजना प्रति ध्यान नहि। साइकिल बाँटै के काज करै छथि, ई मानि लिअ टॉयलेट मानि लिअ, ठीके है टॉयलेट आवश्यकता है से बात नहि, हम ई नहि कहै छी, लेकिन अहाँके आवश्यकता कथी के मुख्य है, मुख्य आवश्यकता की है? विद्यार्थी एहिठमन अहाँके मानि लिअ पढ़ के उद्देश्य से अबै छै कि टॉयलेट मे जाय के लेल अबै छै? पढ़ के उद्देश्य से अबै छै, पढ़ के उद्देश्य तऽ पहिने पढ़ाई के अहाँके जे है से एटीट्यूड जे है से फुलफिल होबाक चाही, तऽ ओहि तरफ अहाँके ध्यान नहि है, दोसर अहाँके डेविएशन दोसर दिशन है। तऽ हमर कहाइ की है कि हमर की है डेस्टिनेशन क्लियरेंस नहि है, सबसँ बड़का की है कि लक्ष्य के क्लियरेंस होबाक चाही। ओ लक्ष्य के क्लियरेंस के अभाव मे चीज अहाँके जे है से अहाँके ओझरा रहल छै, ओहि ओझरी के हम मुख्यमंत्री से अहाँके निवेदन करबै कि पहिने ओहि ओझरी के समाप्त करू। ई नकली शिक्षा, नकली शिक्षक, नकली विद्यार्थी आ ओहिसँ अहाँके सकली अहाँके मानि लिअ प्रोडक्शन के उत्पादन के जे परिकल्पना करै छी कदापि संभव नहि। पहिले बछार जी से लऽ लै छी, तकर बाद सहभागी मिश्रा करतै। बछार जी, उचित वातावरण नहि भेला से, उचित भौतिक पूर्वाधार नहि भेला से कतेक अहाँ सबके सुनऽ पड़ैए जे बालिका सब इसकुल छोड़ि कऽ घरे मे बैसऽ बाध्य छै? अखनी कहलखिन जेना टॉयलेट के उद्देश्य से अबै है कि इसकुल से, अहाँ एतबे बुझू कि कोइ भी महिला सबके हमसब बाहर सार्वजनिक जगह मे शौचालय मे जाय लगे कते समस्या है, है ना? एक तो हमरा सबके महिनावारी के समस्या रहै छै, जे 4 दिन 5 दिन के बात रहै छै, ओहि मे कते विद्यार्थी सब बेटी सब इसकुल नहि अबै छै, ओहि हमहूँ सब इसकुल मे पढ़ै छली तऽ 4-5 दिन इसकुल नहि जाइ छली शौचालय के कारण से, हमहूँ इहे कन्या इसकुल मे पढ़ल छी, मतलब शौचालय के कारण से नहि जाइ छै। पैड के व्यवस्था होइ के चाही इसकुल सब मे, आइ काल्हि के अथिये चलल है जे जेना के सार्वजनिक इसकुल सब मे पैड के व्यवस्था सबके बात चल रहल है, आब इसकुल मे केना है नहि कहबै। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कम से कम नहि ई महिला सबके अथि सबके बालिका सबके लागि किशोरी सबके लागि जे पैड के व्यवस्था, उचित शौचालय के व्यवस्था, खानी पानी के व्यवस्था आ भौतिक पूर्वाधार के तऽ बात हेबे करै, जहाँ एकोटा कोठली रहतै, हम अहाँ कहै छी एकोटा कोठली रहतै तऽ शौचालय के व्यवस्था होइ के पड़तै, कि कतऽ जेतै चौरी मे जेतै ओ तऽ बात नहि भेलै, आब ओ चौरी मे जाइला से कते बलात्कार मे पड़ै छी हमरा बालिका सब, ओहो सब अहाँ सबके जानकारी होइते होइत से हम कहऽ चाहै छी, ओ तऽ एकदम होइ के चाही शौचालय के व्यवस्था। सहभागी के लेबऽ पड़तै, एक आदमी के एकटा इमहर पुरुष सहभागी। इमहर म वीरेन्द्र यादव, म जनता मावि बिलहुडोल को शिक्षक छु। त्यो वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा यो शिक्षा जुन छ होइन विद्यालयहरूमा
राम्रोसँग विद्यार्थीले पनि पढ्न पाइरहेको चाहिँ अवस्था छ यहाँ। त्यसको कारण के हो भने अब 10 वर्ष 15 वर्ष भइसक्यो, जसरी हाम्रो विद्यालय जनता मावि बेली रजौल 2036 सालमा स्थापना भएको, अहिलेसम्म माविमा एउटा दरबन्दी मात्रै छन्। अब एउटा शिक्षकले इङ्ग्लिस पढाउने कि साइन्स पढाउने कि म्याथ पढाउने कि नेपाली पढाउने, त्यो समस्या छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। अर्को कुरा के छ भने जुन यहाँ के अरे यो बेटी बचाओ बेटी पढाओ जुन अभियान छ त्यो साह्रै राम्रो छ, म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो 2 नम्बर प्रदेशले अहिलेसम्म जुन यो प्रदेशमा जुन अभियान ल्यायो मुख्यमन्त्री लगायत म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। तर एउटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने खास गरेर महिला अधिकार कर्मीज्यूलाई पछाडिज्यूलाई, अब बेटीलाई अब छिटो बिहा गरिन्छ बाल बिहा गरिन्छ होइन, त्यसो पछाडि कारण के हो त? यहाँ 2टा कुरा जोडिएको छ, छिटो विवाह गर्नु कारण एउटा गरिबी पनि होला, अर्को दाइजो कारण पनि होला। धेरै पढायो भने धेरै पैसा तिर्नुपर्छ, हामीसँग नै होइन 2-3 छोरी हुनसक्छ छ, अब डिग्री गरायो इन्जिनियर आयो भने उसलाई धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो यो अहिलेसम्म जुन दाइजो कुरा छ यो बाल बिहासँग जोडिएको र बेटी बचाओसँग जोडिएको कुरा हो, अहिलेसम्म तपाईँसँग कतिवटा केस आएको छ जुन दाइजो लिनलाई कारवाही गर्नुभएको छ र दाइजो रोक्नु भएको छ? अहिले म देखिरहेको छु है हाम्रो समाजमा होइन लाखौँ लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छन्, यसमा कति स्टेप तपाईँ लिनुभएको छ? धन्यवाद धन्यवाद। विद्यार्थी के हात उठल छले? हमर नाम आशु चौधरी भेल, हम ये संकट मोचन डेरा मावि कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रा। हम माननीय जीव प्रति बहुत बहुत आभारी छी कि नेपाल के 60 प्रदेश में अपन 2 नम्बर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, ओके लेल अहाँ प्रति बहुत बहुत आभारी छी। लेकिन सर ई जे 2075 माघे गते से छोड़ी समथिंग छोड़ी बीमा जे चल रहा है छोड़ी शिक्षा बीमा योजना सर, ओके लेल अपने सब की छै धनी वर्ग सीमांकित वर्ग दलित सबके लेल छै इक्वल 1,25,000। लेकिन सर हमरा ई कहल जाउ जेकर स्टैंडर्ड पहिले से अपलिफ्ट छै, जे पहिले से धनी छै, जे पहिले से अपन हैंड टू माउथ नीड पूरा कऽ सकै छै आ जकरा खानो के लेल पैसा नै छै, तऽ ओकरा दुनू के लेल कते के सान्दर्भिक भेलै सर? जकरा मतलब अपना घर मे कपड़ा लगबा तक के क्षमता नहीं आज बहुत आगा बढ़ गया है ओकरा सबके लिए कते के सान्दर्भिक भेल तैले अपना सबके की छै अपना सबके शब्द से नहीं नियत से खोट लगे बाजल बहुत भाषण करे छै बहुत गोष्ठी करे छै लेकिन प्रैक्टिकलिटी जे छै ने तो ओहिमे सान्दर्भिकता नहीं देखे छै। तैले हमरा से हमरा लेल ई बात के कनिके प्रश्न कर देल जाऊ जे ई दुनू वर्ग छै ओहि दुनू में कते की सान्दर्भिक भेल एते कहैत हम धन्यवाद करे चाहै छी। उमर आरोप यदि किनको प्रश्न हो त अहिले भर्खरै अस्थायी शिक्षक साथीहरू जुन विस्थापित हुनुभयो त्यसमा अधिकांश महिला शिक्षकहरू नै विस्थापित हुनुभयो। यो बेटी बचाओ र पढाओ कार्यक्रमसँग महिलाकै नाताको दृष्टिकोणले एउटा प्रश्न छ, बढी विस्थापित हुनुभयो, यसको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट के कस्तो सोचाइ छ यिनीहरूको जीवनकै एउटा भनौँ किनभने विस्थापित भइसकेपछि एकदमै निराश अवस्थामा छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। बडा निक प्रश्न अहाँ सुन्दै छु, अहाँ बडा दिक्कत भयो जाइ छै कि कौन गरीब है कौन धनी है। अहाँ अगर हम शुरू करब जे अहाँके दिउ जे फिर भी एक चार्ज लगतै जे प्रदेश सरकार ई बेटीमे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहल छै, तऽ बेटी तऽ है अहाँ एक समझू हमनी के सबके समाज के वास्तविकता छी। आज गरीब से ज़्यादा थोड़ा खान पीन के घर में बेटी बोझ भर रहल छी। बाबू अहाँ के कहाँ कितना ज्ञान है, ज़्यादा एबॉर्शन ज़्यादा ओकरा जोन दुर्व्यवहार आजकल मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा है। ऐसे प्रदेश सरकार हर बेटी के समान दृष्टिकोण से देख रहल छै, चाहे अमीर के बेटी होई चाहे गरीब के बेटी। ई हमनी सब लागम डिस्क्रिमिनेशन करे कि ई बेटी तो अमीर है। अहाँ के हेड सर छी, यही हेड सर के कहम जे अहाँ सर लिस्ट बना के दियो, तो अगर 10 लड़की पढ़ल या 10 लड़की न पढ़ती साइकिल में तो सर के तो कलरा के गार्जियन से लेके अथी हुनकर दुर्दशा की होतै तो उनके से पूछला से होतै। तो ऐसे समग्रता में समाज में नीति अगर समग्रता में है तो थोड़ा बहुत अहाँ सब
के ई तो ओकर फायदा उ सबके समुदाय के पड़ते, लेकिन समग्रता में अपने सामुदायिक विद्यालय में अहाँ पढ़ रहल छी बाबू, तो सामुदायिक विद्यालय में पढ़े वाला कुछ ही मिडिल क्लास है, न तो अक्सर लोअर क्लास के बेटी पढ़ रहल छी। ई ऐसे हमर सबके सिलेक्शन है कि अभी भी जाओ अहाँ सब देख कि हुने खाने वाला अहाँ के भाई अगर छी न तो अहाँ के पिताजी, अहाँ सबके पिताजी की करब थोड़ा ओकरा के कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में ही ओकरा के पढ़ावे के कोशिश करब, लेकिन अहाँ के ऐसे पढ़ावे हैं कि छोरी है एकरा के ब्याह करके भेज देवे के है। नंबर दो जो वो कहे, ये मुल्क में शिक्षा का बर्बादे किया है यहाँ का सिस्टम सब। वो 20 बरस पढ़ाया है, 25 बरस पढ़ाया है, एक निकास देना चाहिए, मेरा समझ से निकास ये देना चाहिए कि कम से कम जो काम कर रहा था उसको एक मुश्त थाई कर देता, बाकी पूरे ब्लॉक कर देता, जो अब नहीं हो, एक होना चाहिए था। लेकिन हर में षड्यंत्र है, ये मुलुक का सिस्टम इतना खराब है, इतना करप्ट, इतना गलत है कि ये मुलुक आगाड़ी नहीं बढ़ रहा है। ये मुलुक में विकास का हर संभावना है, हर चीज है, इतना विविधता है, हर एक 10-20 किलोमीटर में क्लाइमेटिक चेंज है, इतना सुंदर है, लेकिन फिर भी हम दरिद्र और गरीब है। क्यों? पूरा सिस्टम करप्ट है बाबू। एक दूसरा बात, जो अभी जाइएगा वो पूरा अस्थायी को हटाया, फिर 10,000 का भरने का बात कर रहा है, जिसमें अपना कैडर अपना कार्यकर्ता भरने का बात कर रहा है। एक ये मुलुक निकास निकलेगा, खरबों बजट है, अरबों बजट एक एक एथी में देता है, लेकिन क्या उपलब्धि है? हम तो आज से शुरू किए हैं ना, अभी तुरंत से शुरू किए हैं ना, हमारा सोच आया है ना, आज भी जिला शिक्षा कार्यालय आपके पास नहीं, आज भी शिक्षक आपके पास नहीं है, आज भी यहाँ काम करने वाला मशीनरी आपके पास नहीं है, आज भी आपका पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, सरकार फिर आप है, क्या कीजिएगा? संघीयता देखिए, मुलुक संघीयता में गया है, तो संघीयता के सिस्टम में कैसे मुलुक फंक्शन करे, संघीय सरकार को नेतृत्व का भी सोचना चाहिए, उसी में सबों के भलाई है। तो ये अभी क्या है जे एक हटा दिया, अब रो रहा है, कल ही हमारे पास फोन आया जे भाई हम लोग आना चाहते हैं, हम भेंटना चाहते हैं, हम करेंगे क्या करेंगे, आपका प्रश्न था ना, ये क्या होगा, हम करेंगे क्या, नहीं हम रखे ना हटा रहे हैं, नहीं हमसे पूछा जा रहा है, महिला है पुरुष है, 20-20 बरस काम किया है, अभी कहीं का नहीं, उसका पूरा जीवन का उर्वर समय आपका यहाँ विद्यार्थी पढ़ाने में, शुरू में पढ़ाया तो क्वालिफाइड था, अब डिसक्वालिफाइड हो गया, ये अवस्था है। उसमें हमारी क्या है, हाँ हमारे सदा सहायता है, अब अभी कोई ऐसा चीज़ ना हमारे पास उतना बजट है, ना वो संयंत्र हमारे पास है, ना हम कुछ करने की अवस्था में, सिर्फ एक कार्यालय तो खोलकर बैठे हैं, लेकिन हमारे हम कुछ करने का अगर समय आएगा तो जरूर हम करेंगे। धन्यवाद। रामचंद्र जी, प्रतिपक्षी के भूमिका सदन में की रहते, प्रदेश सरकार उचित कार्यान्वयन करे, सही दिशा में आगा बढ़े, ये अभियान के लकर वही के लिए अहाँ सब की करबे, अहाँ के प्रतिबद्धता? हम सब जे है से अपने के प्रतिपक्षी के अर्थ होइ छै सरकार के पहरेदारी करी, सरकार यदि कोई अनु अहाँ के गलती कर रहल छै वही गलती के अहाँ के सचियाब के लेल अहाँ के बहुत ज़्यादा हुनका जे है से मान लिय पहरेदारी करे के काज करी, लेकिन मुख्यतः अहाँ के नीति निर्माण करे के काज जे है से मुख्यतः अहाँ के प्रदेश सरकार हो, चाहे सरकार पक्ष के जे सांसद सब रहे छे तेकरे मुख्य अहाँ के दायित्व हो। हम सब अहाँ के जे है से अपना जगह पर नीतिगत रूप से जे जिम्मेवारी है ते जिम्मेवारी बोध के साथ हम सब जे है से खरो उतरा लेल तैयार छी, ते में कोनो दुविधा नहीं है। दोसर विषय वस्तु की है कि जना बउआ कहने छलाह कि दुट्टा अपने के टारगेट ग्रुप अहाँ के की है, मान लिया गरीब और धनिक है, जकरा लेल अहाँ के धनिक के लेल अहाँ के एक 5,000 रुपया साइकिल कोनो माने नहीं रखे छै, आ एक गरीब जकरा लेल बहुत बड़का माने रखे छै, तो टारगेट ग्रुप जखन अहाँ निर्धारित नहीं करबै तहन जे है से फेनो ओझरा जेतै। यानी टारगेट अहाँ के निर्माण कर देखल जाओ, ओहिमे की है अहाँ पहिने ही
जे गड़बड़ाइ लगबै कैला केकरा लेल अहाँ दऽ रहल छी? आइ अहाँके महिलाके बीचमे चाहे छात्रा छात्रके बीचमे अहाँके डिस्क्रिमिनेशन हइ, विभेद हइ, तऽ छात्राके जे हइ से बूस्टअप करैके उद्देश्यसँ अपनेके ई कार्यक्रम लाबैके काज केलियै। लेकिन छात्रके भीतरमे जे हइ, छात्राके भीतरमे सेहो अहाँके जे हइ से विभेद हइ, जे समाज अहाँके विभेद कायम कऽ देने हइ, तऽ ओहि विभेदके भीतरमे सेहो अहाँके टारगेट ग्रुप जे हइ से निर्माण करऽ पड़त। ओ टारगेट ग्रुप नहि निर्माण कऽ कऽ सोझे सोलो डोलो हिसाबसँ काज करबै तऽ फेनो अहाँ जे हइ से अपनेके यानी आउटकम परिणाम अहाँके जतेक आबक चाही ओ परिणाम अहाँके नहि ला सकै छी। ओहिके लेल अहाँके देखल जाउ, ओहिमे जे हइ से अहाँ भगबै सोझे समस्यासँ तऽ भागिके अहाँके जे हइ से टारगेट अहाँके जे हइ से चाहे डेस्टिनेशन अहाँके मानि लिअ प्राप्त नहि कऽ सकै छी, लक्ष्य नहि प्राप्त कऽ सकै छी। ताहि दुआरे हमर की हइ कि एहि सम्पूर्ण प्रगम्भे चूँकि अपने सरकारके कंडक्ट कऽ रहल छियै, प्रतिनिधित्व कऽ रहल छियै, तऽ अपनेके हमर कहाइ की हइ कि हमरासँ लोकके अपेक्षा हइ, सरकारसँ लोकके अपेक्षा हइ, तऽ सरकारसँ लोकके अपेक्षा हइ तऽ सरकार भाइ लोक तऽ ओहिनाते उत्पीड़नके शिकार हइ, लोक तऽ समस्याग्रस्त हइ, अहाँ अपन उत्पीड़न देखाबऽ लगबै तऽ लोक कतऽ जेतै? सरकारसँ लोकके आशा हइ, आओर जखन अहाँके बात अबैए तखन तऽ अपन उत्पीड़न देखबऽ लगै छियै तऽ उत्पीड़ित लोक की करतै? आब से विचार कयल जाउ। हमर कहाइ की हइ, उत्पीड़नसँ अहाँ अपन जगहपर लड़ैके काज करू, अपन जगहपर लड़ैके काज करू। जनताके उत्पीड़नके विषयवस्तु हइ, ओहि उत्पीड़नसँ मुक्ति दियाबैके काज, जिम्मेवारी लिएके काज कयने छी, ओहि जिम्मेवारीके अहाँके जिम्मेवारी बोधके साथ ईमानदारी साथ निर्वाह करैके काज करियौ। अपने हैसियतसँ कोन हिसाबसँ सहयोग कऽ देबै अहाँसब प्रदेश सरकारके? जी, हम पहिने हमसब तऽ अपन एगो संस्थामे लागल छी, ओहि अनुसारके तऽ हमसब कहू ने नाम कहऽ चाहब। ओरेक नेपालके हम जिला समन्वयकके रूपमे काज कऽ रहल छी। बहुत रङ्गके जे ग्रामीण भेगमे सब हमसब अभियान सञ्चालन करै छी, महिला हिंसा विरुद्धके अभियान, जाहिमे खास करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियानके साथ हानिकारक परम्परा हमसब जोड़ऽ चाहै छी कि हमरा सबके हानिकारक परम्परागतके कारण ही जे बेटी सबके ड्रॉप आउटके हो, गर्भपतनके बात होइ, जेना बाल विवाह दाइजो, सब ओहि प्रथामे पड़ रहल अइ हानिकारक परम्परागत, ओही अन्त करैके लागि प्रदेश सरकारके हमसब महिला अधिकार कर्मी सब दिन तैयार छी। ओहि मैसेज जे हइ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीमाके मैसेज हौ, जे अखनी साइकिलके मैसेज हइ, जे नीक काज करल, ओहि सबके मैसेज सब हमसब प्रदेशमे हमसब पहिलेबे करबै। लेकिन मुख्यमंत्रीजीसँ एगो इहे आग्रह जे एहन कानून तऽ बहुते बनै हइ, जौन एहन कानूनके कामे नहि ओहि एहन कानून बनौलासँ कोन फायदा? जेना अथी दाइजोके बात कहलखिन, दाइजोमे कानून हइ लिने दिने दुइटेलाई सजाय हुन्छ, लेकिन ओ कते समय साफ छिकै तऽ? ओ 33 सालसँ चल रहल, लेकिन अभी तक एगो धनुषा जिलामे देखाउ कोइ भी दाइजोके कारणसँ कोइ भी जिला प्रहरीमे एक कोटा केस दर्ता नहि भेलै। 36 केस हमरा सबके बरिसमे अयलै दाइजोके, जे मनोज विमर्शके हमसब सेवा दै छी ओहिमे से भित्री से अयलै, लेकिन हुनका सबके कहै छी हमसब दाइजोमे अहाँ सब कैला अथी कराउ ने तऽ दर्ता कराउ, लेकिन दुनूके जे सजाय होतैके बात कऽ के ओ सब पछाडि पड़ि जाइ छै। ओहिके लागि जब एहन कानून बनाएके हमरा हाथमे हइ, ओहिके लागि केना ओ नियुकरण होतै, न्यूनीकरण होतै, ओहिके लागि प्रदेश सरकार एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए पड़तै। दोसर भेलै बाल विवाह बालिका विवाहके बात सब, खास करके अखनी दूटा विवाह, बाल विवाह र बाल प्रेम विवाह से एते घटना भर रहल है, बालिका सबके किशोरी सब खास करके हमरा सबके सुरक्षित आवास है, ओहिमे बरिसमे 25-26 किशोरी सब प्रेग्नेंट अबै छै, जे कुमारी आमा रहै छै, कुमारी कहू या विवाहिता कहू, भागके विवाह करै छै, लड़काके लऽ जाइ छै लड़की, लेकिन हमरा समाजमे की है, एक रात केकरो जरे बैठ गेलै तऽ हमसब अछूत भऽ गेल, हुनका सबके घर परिवार नहि लऽ जाइ चाहे, हुनका रखबै कतऽ? तऽ हमसब रखै छी सुरक्षित आवासमे, बहुते कऽ के बहुते कर काप कऽ के हमसब पठबै छी। तऽ आब ओ प्रदेश सरकार एक तऽ सुरक्षित आवासके व्यवस्था करौक प्रदेश नम्बर 2 खास करके किशोरी महिला सबके लागि, दोसर बात भेलै मनोसामाजिक सेवा, जुन इसकुल सबमे विद्यार्थी ड्रॉप आउटसँ लेके जे भागके प्रक्रिया जे चल रहल अखन ओहिके लागि की समस्या हइ, ओहिके लागि एगो मनोचिकित्सक मनो सामाजिक सेवा इसकुल सबमे रखबै से नहि हमरा कह दू, मतलब ओ सेवा सब प्रदेश सरकारके एकदम हम अखनी मुख्यमंत्रीके आग्रह करै छी, ओ सबके अहाँ सब तनिका विचार करू, नहि तऽ ई भयावह स्थिति हइ। आ पिछले सालमे हमरा सबके 112 घटना आयल छलै, 138 ई 2018 अयलै, ओ घटना सब बढ़तै आब आइ रहलै, ओहिके लागि घटाबै लागि प्रदेश सरकारके अनुरोध करबै। र हम अपन संस्थाके तरफसँ या जे हम जतऽ छी महिला अधिकार कर्मी, यही कि हम बेटी छी पुतौ छी, हम ई अथीमे काज करबै र एहिमे हमसब एकदम सहयोग करबै कहके प्रतिबद्धता दै छी। प्रदेश सरकारके तरफसँ अहाँके प्रतिबद्धता जे कार्यान्वयनमे कोनो त्रुटि नहि हेतै आ लक्षित वर्ग तक केना पहुँचबै अहाँसब? लक्षित वर्गके ही फायदा पहुँचानेके लिए ने हम लोग कार्यक्रम ले आए,
आज तक मैसिव रूप से ये प्रदेश के भीतर जन्मी सारी बच्चियों के लिए उनके बीमा करना और सामुदायिक विद्यालय में जहां अक्सर ये देखा जाता है जो थोड़ा गरीब तबका, कमज़ोर तबका, आर्थिक रूप से नहीं पहुंचा, जो अध्ययन कर रही है बच्ची उनको साइकिल देना, उनके लिए सुलभ शौचालय स्कूल में बना देना, उनके लिए अन्य जो हम लोग का जैसे कि कंपटीशन के लिए आयोग के लिए उनके लिए कंपिटिटिव बनाना, उनके लिए अवसर देना, बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है। इस बार से मैं एक बार छूट गया था, मैं कहना चाहता हूँ इस बार से हम लोग नीति कार्यक्रम में ले आए हैं। अब हमारे स्रोत साधन कितना होता है, हम लोग ले आए हैं एक कक्षा से लेके 8 कक्षा तक आर्थिक रूप से विपन्न दलित और मुस्लिम बालिका के लिए प्रदेश सरकार महीना के 500 रुपया देगा, 500 रुपया महीना के अति विपन्न। अब हमारे स्रोत साधन कितना है, हमारे पास बजट कितना हो रहा है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ये नीति हम लोग ले आए हैं। और निश्चित रूप से ये हमारा सोच है कि ये प्रदेश के भीतर जितना सामुदायिक विद्यालय है, जो आर्थिक रूप से विपन्न लड़की सब पढ़ती है, आर्थिक जो इसमें भी खास करके दलित हो, मुस्लिम हो, जो बहुत सारा अवसर से वंचित है, गार्जियन भी नहीं पहुंचाते हैं, उनके लिए कैसे स्कूल में लाए और स्कूल में पढ़ने के लिए उनको रेगुलर अटेंडेंस के आधार पर हम लोग इससे सहयोग करने का वातावरण लाए हैं। निश्चित रूप से अगर ये प्रदेश सरकार ये चाहता है कि समाज को समृद्ध बनाना है, हर नेपाली को सुखी बनाना है, तो ये बेटी को बेटा सरह हमें बनाना होगा और अवसर में महिलाओं के समान अवसर देना होगा, तभी ये समाज हमारे लिए एक क्या कहते हैं एक समृद्ध बन सकता है और सबों के चेहरा पर खुशी आ सकता है। आई के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करे छी। बहस के बारे में अहाँ सब अपन सलाह सुझाव हमरा सके पठा सके छी। ओहि के लेल हमर सबक ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम, संपर्क नंबर 0415306001, 0415306003, ईमेल एड्रेस jnmanch.appantv@gmail.com। अहाँ सब सामाजिक संजाल यूट्यूब आ फेसबुक पर हमर सबके कार्यक्रम देखनाई के साथ साथे प्रतिक्रिया भी दऽ सकै छी। ओहि के लेल यूट्यूब आ फेसबुक पर अपन टीवी जनमंच सर्च कऽ कऽ अहाँ सब देख सकै छी। कार्यक्रम में संपूर्ण सहभागी के साथ तीनू गोटे अतिथि के धन्यवाद दैत कार्यक्रम से विदा चाहब। हम सब फेर से अगला सप्ताह उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल नमस्कार।